ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। किसी को विश्वास रह गया है कि नीतीश जी क्या करेंगे, कब क्या करेंगे? वो न ललन सिंह जी को पता है, न किसी को पता है, हमको भी नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कब वो क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। नीतीश कुमार जो बिहार की यूएसपी है, जो उनके साथ रहेगा वही यहाँ पर रूल करेगा। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बयान में कहा है कि जो उनके साथ रहेगा वही यहाँ राज करेगा, वही इनकी यूएसपी है। किट का क्या यूएसपी है? अरे भाई, अभी बात होना चाहिए। जिस तरह का बेरोजगारी है, जिस तरह का अराजकता है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बिहार में, मुख्यमंत्री को या शासन के लोगों को उस पे बात करनी चाहिए। इधर नहीं आएंगे, उधर चले जाएंगे, ये कौन सा राजनीति है? राजनीति कोई परिक्रमा करने का चीज नहीं है। राजनीति सीरियस है। बिहार के 12 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में कैसे बदलाव आए, कैसे बेहतरी हो, इसकी बात करनी चाहिए, न कि इधर आएंगे उधर जाएंगे। नीतीश जी पर अब किसी को विश्वास रह गया है कि नीतीश जी क्या करेंगे, कब क्या करेंगे? वो न ललन सिंह जी को पता है, न किसी को पता है, हमको भी नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कब वो क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जेपी नड्डा 2 दिन के बिहार दौरे पर थे, उन्होंने जंगल राज और आरजेडी के राज को याद कर हमला किया आप लोगों पर, कांग्रेस और। अभी राम राज में क्या हो रहा है? हर महीना में 2 पुल बह जा रहा है, बेतहाशा कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उस पे लगाम लगाने की बात करनी चाहिए। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है उसकी बात करनी चाहिए, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे किसान मजदूर का प्लान रुके, उस पे बात करनी चाहिए। भूषण शरण ने हमला किया है कांग्रेस पर, विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया, उसके बाद कहा कि पांडवों की तरह स्त्री को रखकर कांग्रेस पार्टी आगे राजनीति कर रही है, चुनाव में आप लोग को समझ में आ जाएगा। पांडवों की तरह तो कर रही है ना कांग्रेस, कौरवों की तरह तो मतलब वो अपने को कौरव कर रहे हैं। चलिए, सीएम का नेता है ना, सांसद इस्तीफा दे दिए, तब उनके इस्तीफा का बात भी मैं करूं, इसका निश्चित उत्तर तो वही उनके पार्टी के लोग वो दे सकते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, ललन सिंह कह रहे हैं तो क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा यात्रा पर जाने से? तेजस्वी यादव को लड्डू मिलेगा ऐसा कह रहे हैं ललन सिंह। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड्डू कब खाता है आदमी? इसका मतलब राज्य अभिषेक होने वाला है।